लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। इस देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अतिरिक्त सेपरेशन ऑफ पावर के तहत मीडिया को स्वतंत्र रखने की संकल्पना है, ताकि वो सत्ता के दबाव में आए बिना सवाल कर सके, वो जनता के उन मुद्दों पर बात कर सके जो सत्ता या तो छिपाना चाहती है। एक बड़े पत्रकार से किसी ने पूछा कि खबर क्या है, तो उन्होंने कहा खबर वो है जो सत्ता दिखाना नहीं देना चाहती, छिपाती है। लेकिन आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में पत्रकार अगर कोई खबर दिखा दें तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और वहीं उसी उत्तर प्रदेश में या उसी देश में पत्रकार सीधे सीधे तौर पर सत्ता की गलबहियां करते हुए खुलेआम वही भाषा बोलते हैं जो एक पार्टी के लोग बोलते हैं, उनका एजेंडा वही होता है जो सत्ता का एजेंडा होता है, और उनके सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। गोया पत्रकारिता का धर्म अब यह हो गया है कि सत्ता में बैठे लोगों को कैसे बचाया जाए और उनके एजेंडे को जनता तक पहुंचाया जाए। इसलिए जो चुभते हुए सवाल है वो पूछने वाले FIR झेल रहे हैं या जेल में है। आज के वक्त एक ऐसा उदाहरण मैं लेकर के आया हूं जो ये सबूत पेश करेगा कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है तब भी देश के बड़े टीवी चैनलों पर बैठ करके कैसे उनके खिलाफ एक झूठ और नफरत का एजेंडा पेश किया जा रहा है। ये वो पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी और RSS को बचाने के लिए पत्रकारिता का चोला पहन करके, हालांकि ये भाषा बड़ी अश्लील हो जाती है जब इस तरह की भाषा हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अमूमन भाषा के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि भाषा की अपनी एक हिंसा है, और ये पत्रकार दिन रात उस हिंसक भाषा में नैरेटिव वो सेट करते हैं जो सत्ता का है और उस नैरेटिव के मुताबिक काम करते हैं। तो अभी जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के दो पत्रकारों पर मुकदमा है। अब उस बात को ट्विस्ट कैसे किया जा रहा है, एक पत्रकार का नाम है ममता त्रिपाठी, एक पत्रकार का नाम है अभिषेक उपाध्याय। तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि राजपूत हर थाने में हर सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर सचिवालय, मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक केवल ठाकुर भर गए, और उस पर ट्वीट कर दिया उन्होंने, मुकदमा हो गया। मुकदमा करने वाले की भाषा पर एक वीडियो हमने पहले बनाई है, नहीं है तो उसको देखिएगा। अब उसके बाद उस पत्रकार ने और अपने ढंग से अपनी बातें कहना शुरू कर दी, एक दूसरा खेमा तैयार हो गया जो कहा कि अरे भाई दोनों ब्राह्मण पत्रकार हैं, दोनों कह रहे हैं कि ठाकुरों का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में, हर बड़ी पोस्ट पर ठाकुर है। तो उन्होंने सूचियां जारी कर दी कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा है बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े जगहों पर। तो अब ये बात दिख रही है, जो तय होती दिख रही है कि ठाकुर और ब्राह्मण में ये लड़ाई हो रही है कि ज्यादा बड़ी पोस्ट पर ज्यादा संख्या में कौन है, किसी के ऊपर मुकदमा हो रहा है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है। कुछ लोग ये भी सूची जारी कर रहे हैं कि नहीं भाई कुछ कुर्मी, कुछ गुज्जर, कुछ दलित भी हैं, जैसे लग रहा है एहसान हो गया, दो चार वो भी है, लेकिन मुकदमा उन पत्रकारों पर हो गया। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव जैसे एक मुख्यमंत्री याद आते हैं। आपको याद है चुनाव के वक्त एक लोक गायिका ने एक गीत गा दिया कि यूपी में काबा, और उस पर मुकदमा हो गया, और उसके बाद अखिलेश यादव ने इस बात को सदन में उठाया कि मुख्यमंत्री जी आप तो इतने बड़े ताकतवर बनते हो, आपने एक लोक गायिका के ऊपर मुकदमा कर दिया, हम तो वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर बने कार्टूनों की किताब का लोकार्पण खुद किया। दिल बड़ा रखना चाहिए, अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो आपकी आलोचना होगी, और सत्ता में पत्रकार का फर्ज यह है कि पत्रकार सत्ता से डरे बिना अपने दिल की बात बोल सके। किसी ने पीछे से कमेंट किया कि अरे कार्टून, तो अखिलेश यादव ने अपने विट और ह्यूमर से कहा कि भाई अरे तुम खुद कार्टून हो, तुम्हारा कार्टून मत बनेगा, नहीं बनेगा जीवन में, कार्टून का कार्टून कैसे बन सकता है। और अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में बैठे व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए,
और नैरेटिव अगर कोई चल रहा है तो सत्ता के नैरेटिव से पत्रकार का नैरेटिव मेल नहीं खाना चाहिए। अब मैं आ रहा हूं उस घटना पर जिसका जिक्र आज बहुत जरूरी है। उसके पहले एक बहुत बड़ा पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा किस्सा। एक बड़े पत्रकार थे, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन कहा कि आपका पला पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अपने दफ्तर वापस लौटते हैं, उस पत्रकार को बुलाकर नौकरी से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि अगर सत्ता में बैठे लोगों को एक पत्रकार का काम पसंद आ रहा है, इसका मतलब वो पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर रहा है, सत्ता की गुलामी या सत्ता की पैरोकारी कर रहा है। दौर बदल गया, वक्त बदल गया। पत्रकारों ने, अखिलेश यादव की बात आई है चूंकि आज के वीडियो में अखिलेश यादव का जिक्र आएगा बार बार, अखिलेश यादव ने कई पत्रकारों को बिना जाति देके उनके काम के मुताबिक यश भारती से लेकर के बहुत तरह की सुविधाएं दे दी। और जब अखिलेश यादव 2017 में अपने मुश्किल वक्त में थे, अंदरूनी पार्टी कलह के वक्त में थे, उनमें से अधिकांश पत्रकार अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हो गए और बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। ये उत्तर प्रदेश में होता है। तो वक्त जब बदल गया तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ गलबहियां करते हुए अगर फोटो आ गई तो आप बड़े पत्रकार हैं। आप उनकी भाषा, मान लीजिए प्रधानमंत्री बोले इंडी गठबंधन और टीवी चैनल पर बैठकर सब पत्रकार बोले इंडी गठबंधन, तब भी वो निष्पक्ष है। उनके ट्वीट देख लीजिए, जैसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता से बड़े हुए। ऐसे वक्त में एक टीवी चैनल, कल्पना करिए, एक मैं बहुत जरूरी किस्सा बता रहा हूं और ये वर्तमान समय में इस बात को समझने और देखने की जरूरत है। इंडिया टीवी चैनल, उसके एक पत्रकार एक शो करते हैं कॉफी विद उनके साथ। इस इंडिया टीवी चैनल पर चार लोग बैठते हैं, चार पत्रकार हैं, एक तो एंकर है और तीन पत्रकार के नाम पर तीनों संघ के व्यक्ति हैं। खुले एक अनंत विजय है जो आरएसएस का काम करते हैं, खुले आप जैसे ही इन तीनों का सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अनंत विजय से लेकर के कोई शांतनु और तीसरा प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह सबसे वरिष्ठ उसमें प्रदीप सिंह है, बहुत संयमित भाषा बोलते हैं, बड़े पत्रकार माने जाते हैं, कई बड़े चैनलों में काम कर चुके होते हैं। और वो प्रदीप सिंह उस पूरे बातचीत कैसे होती है कि यादववादी पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो माफिया और माफिया कौन है, इस पर बात हो रही थी। तो तीनों पत्रकार, चारों पत्रकार, कथित पत्रकार सत्ता के माफिया पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करते कि सत्ता में योगी आदित्यनाथ अगर अपनी जाति बता रहे हैं तो जातिवादी कौन है, अगर योगी आदित्यनाथ की जाति के माफिया में से किसी का एनकाउंटर नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये पता चल रहा है कि एक बहन, उसने संदेह जाहिर किया था कि मेरे भाई को भी मार देंगे, उसका नाम भी सिंह है, तो उसको भी आज एसटीएफ ने मार दिया। यानी एसटीएफ कैसे एनकाउंटर कर रही है, ये फाइल जलेगी कि नहीं, प्रदीप सिंह इस पर कब वीडियो बनाएंगे, मैं जरा इंतजार करूंगा। लेकिन आ रहा हूं प्रदीप सिंह की बात पर, और वो फाइलें जल गई। आज फिर से एक एनकाउंटर हो गया उत्तर प्रदेश में, और उस एनकाउंटर में पिता क्या बोल रहा है, अखिलेश यादव की मंशा पूरी होगी, लोग ठाकुर भी मार दिया गया। क्या अखिलेश यादव ये कई मंशा जाहिर किए थे कि ठाकुर भी मारा जाए? अखिलेश यादव कह रहे हैं अपराधी की जाति नहीं देखनी चाहिए, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के लिए अपराधी अपराधी है, या अगर वो यादव और मुसलमान है तो अपराध बदल गया? प्रदीप सिंह इस पर बातचीत नहीं करेंगे। वही बातचीत होते होते कहती है कि उस समय थानों को यह निर्देश दिया गया था कि आधे ज्यादा यादव अगर नहीं होंगे, सबूत एक भी पत्रकार ने नहीं पेश किया। और उस समय बात होते होते प्रदीप सिंह बोलते हैं, पत्रकार महोदय, कि इंडिया टुडे में एक खबर छप गई थी कि अखिलेश यादव औरंगजेब हैं, और बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस पत्रकार को दिल्ली से लखनऊ बुलवाते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं जब वो मुख्यमंत्री होते हैं। उन्होंने फिर सामने से कैंकर आश्चर्य में पूछता है कि अच्छा तलवार रख दिया अखिलेश यादव ने पत्रकार के ऊपर, जो उस इलाके का चीफ था, बड़ा पत्रकार था। उन्होंने कहा हाँ, अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में इसका सबूत भी पेश किया कि और तलवार नहीं रखता तो और क्या करता मैं।
अब प्रदीप सिंह ये नैरेटिव बनाते हैं, बगल में बैठा शख्स कहता है कि अरे और भी बहुत कुछ हुआ था, और ये सब किसके ऊपर बात हो रही है? सत्ता में बीजेपी या पात अखिलेश के माफिया और गुंडा राज पर हो रही है, और सत्ता में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जाति का एक भी माफिया और अपराधी कहीं बहस में दूर दूर तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में उसका नाम अगर ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है या कुछ और है तो उस पर बात नहीं होगी, उसकी पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पर तैरती है। तो प्रदीप सिंह ने मीडिया चैनल पर, टीवी चैनल पर बैठकर कहा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो एक पत्रकार ने उनके खिलाफ एक खबर चला दी तो उसके गर्दन पर तलवार रख दिया। पत्रकार पूछता भी है कि अरे आप ऐसे ही तो नहीं कह रहे कि तलवार रख दिया? कह नहीं साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार की जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे था। अब आपको सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। रवीश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार हुआ करते थे तब जब एनडीटीवी अडानी ने खरीदा नहीं था। एनडीटीवी तब कमोबेश सच की बात दिखा दिया करता था, उसके बाद अडानी मोदी जी के इशारे पर अडानी ये काम करते हैं, और अडानी जैसे पूरा देश खरीद रहे हैं, अडानी पूरा देश खरीद करके देश का विकास कर रहे। कोरोना में जब दुनिया बर्बाद हो रही थी, सबकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, तब अडानी की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। और समाजवादी लोग इस बात को समझते हैं, और समाजवादियों का विश्लेषण रहा है कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। उद्योगपतियों में अगर एक उद्योगपति का इतना विकास हो जाए कि बाकी सब हस्त कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगपति बर्बाद हो जाए तो इससे देश का भला नहीं होता, उस उद्योगपति का भला होता है, भले उसका नाम ये रहे कि वो भारत का उद्योगपति है। लेकिन अगर भारत का कोई लाभ उससे नहीं हो रहा है तो ये कुछ नहीं होगा। तो एनडीटीवी तब तक अडानी ने खरीदा नहीं था, और उस एनडीटीवी के रवीश कुमार के शो में अखिलेश यादव बतौर गेस्ट आते हैं, और एक बात पूछी जाती है, वो उनसे बार बार उकसाया जाता है। वो कहते हैं कि भाई जाति तो ये होती है, भाई मुख्यमंत्री का आवाज धुलवाया, बीजेपी और आरएसएस को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने हमें पिछड़ा बना दिया, हम तो अपने को अग्रणी समझते थे, लैपटॉप बांट रहे थे, एक्सप्रेस वे बांट रहे थे, काम पर वोट नहीं मिला इस देश में, झूठ पर वोट मिल गया। और वही बात करते हुए एक पत्रकार जब पूछता है तो वो कहते हैं कि भाई हमसे क्या कहते हो, पैसा लेकर के एक पत्रकार ने इंडिया टीवी, और वो खबर कौन सी है, ये तारीख है 29 जुलाई 2017 और उस समय अनंत पटेल नाम का ये पूरा आज भी वो आ रही है, अखिलेश यादव इज औरंगजेब, मुलायम सिंह यादव इज लाइक शाहजहां अमर सिंह, ये उनके कोर्ट से ये खबर चली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने उस पत्रकार को बुलाया और मैंने कहा कि अगर तुम्हें पैसा लेकर के छापना था तो हमसे बताते, हम तुमसे दुगना पैसा तुमको दे देते, तुमने खबर क्यों छापी? तो अगर मैं औरंगजेब होता तो तलवार उठाता और उसे वहीं खत्म कर देता। यह वाक्य अखिलेश यादव का उस इंटरव्यू में है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर सवाल जवाब का सेशन आता है और उस सेशन में फिर से इसका जिक्र आता है, तो अखिलेश यादव इसको एक्सप्लेन करते हैं, पेड खबर चलाई गई किसके कहने पर, और अमर सिंह का नाम भी लेते हैं, कि पैसा देकर के औरंगजेब वाली खबर अखिलेश यादव के खिलाफ चलाई गई। फिर आखिर में रवीश कुमार जब ये कहते हैं कि भाई आप तो हिंसा की बात कर रहे हैं, आप तो तलवार उठाकर मारने की बात कर रहे हैं, फिर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगर मैं औरंगजेब होता तो मैं तलवार उठाकर वह करता जो औरंगजेब करता। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं औरंगजेब अगर होता तो तलवार चलाता, लेकिन मैं औरंगजेब नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं, ये आक्रोश में गुस्से में मैंने बोला क्योंकि एक बड़ी साजिश उस समय हमारे खिलाफ हो रही थी। और प्रदीप सिंह इंडिया टीवी पर बैठकर पत्रकार के रूप में पत्रकार की भूमिका निभाते हुए क्या बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उस इंटरव्यू में कबूल किया कि हां मैं तलवार अगर गर्दन पर नहीं रखता तो क्या करता। प्रदीप सिंह निष्पक्ष, तटस्थ, विद्वान और बड़े पत्रकार हैं, और कोर्ट भी मिसकोट कर रहे हैं कि क्या पत्रकार का धर्म यह है, और पत्रकार क्या आज अडानी के फेवर में खबरें नहीं चला रहे? उसी टीवी शो के चारों पत्रकार बैठकर बिना प्रमाण दिए वो कहते हैं कि यूपी पीएससी जो था उस पर अहिर लोक सेवा आयोग लिख गया था,
तो पत्रकार को बताना चाहिए कि उसके बाद ठाकुर आयोग भी लिखा, उसी जगह बच्चों ने आंदोलन करके, पत्रकार को यह क्यों नहीं पता? यादवों पर झूठी खबर, फेक खबर चलाई गई कि 86 में 56 एसडीएम यादव हुए, और उसके बाद पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आज तक पर खबर चलाई। अखिलेश यादव के सामने जब मुख्यमंत्री ने अभी चंद रोज पहले विधानसभा में पूछ दिया कि 46 में 56 एसडीएम, तो अखिलेश यादव ने कहा प्रमाण दे दो, सरकार में आप बैठे हैं। और प्रदीप सिंह कह रहे हैं फाइलें जला दी गई, वरना बहुत सारे लोग जेल में जाते क्योंकि सब जगह यादव भरे जा रहे थे। ये पत्रकार का फर्ज है क्या बिना प्रमाण की बात करना? जबकि तथ्य यह है कि पूरे अखिलेश यादव के कार्यकाल में 56 यादव एसडीएम नहीं बने, और उन्होंने एक बार में ही 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिए। और प्रदीप सिंह जैसे पत्रकार आज भी उसी फेक न्यूज का सहारा लेकर के अखिलेश यादव को यादववादी और मुस्लिमवादी बनाए जाने की बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे और नैरेटिव की भूमिका निभा रहे, और वो है निष्पक्ष पत्रकार। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं आपको तथ्यवार आंकड़े बता रहा हूं। 2012, 13, 14, 15, 16 का अगर आप पीसीएस का आंकड़ा निकालेंगे तो कभी 2 यादव, कभी 3 यादव, कभी 4 यादव एसडीएम बने हैं, कुल मिलाकर के भी 56 नहीं होंगे। और ये प्रदीप सिंह वहां बैठ करके यादववादी कर रहे हैं, फाइल जला दी। क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर एक बार भी कहा कि उनके ऊपर कितने मुकदमे थे और योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे वापस लिए? पत्रकार का फर्ज ये नहीं होना चाहिए। क्या इन कॉफी पर बैठकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों ने पूछा कि मिर्जापुर के उस पत्रकार पर एफआईआर क्यों हुई जिसने मिड डे मील में नमक और रोटी डालने की, खिलाए जाने की बात कही, या कोविड के समय जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता की उन पर मुकदमे क्यों हुए? पत्रकारों के ऊपर कितने तरह के बंदिशें और तमाम तरह के चीजें चल रही है उत्तर प्रदेश में, कभी उस पर कोई बात नहीं करता। और इसी इंटरव्यू में अखिलेश यादव एक सवाल पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाता था, कोई भी अपराधी होता था, मुख्यमंत्री की फोटो लगती थी और हर जगह मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कितने तरह की खबरें, हत्या, बलात्कार, फेक एनकाउंटर, लूट, चोरी, डकैती, कोई अपराध ऐसा नहीं जिसमें उत्तर प्रदेश नीचे आया हो, उत्तर प्रदेश ऊपर जा रहा है। और मुख्यमंत्री की न फोटो कोई पत्रकार लगाता है और न मुख्यमंत्री से कोई पत्रकार इस्तीफा मांगता है। और अगर इस राज को ठाकुर राज कह दो और एक पत्रकार अगर ठाकुर राज कह दे तो वो जेल में एफआईआर लिखी जाएगी उसके खिलाफ और वो जेल में जाने के रास्ते पर होगा, जबकि वो आंकड़े दे रहा था। हालांकि उसने पहले भी सांप्रदायिक टिप्पणियां की हैं, घोर मुसलमान विरोधी पत्रकारिता की है, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में केवल आंकड़े बता देने पर उस पर एफआईआर है। और आज प्रदीप सिंह जैसे पत्रकार बैठ करके फेक न्यूज के जरिए बीजेपी और सत्ता में जो बैठे हैं उनकी पैरोकारी करते हैं, उसी नैरेटिव को सेट करते हैं। पत्रकार का फर्ज यह होता है कि जिसे सत्ता छिपाए उस खबर को जो दिखाए वो सच्चा पत्रकार है। इसीलिए लोग आज पत्रकारों को गोदी मीडिया, पत्रकारों की छवि खराब हो गई, वो स्टूडियो से बाहर निकलकर आम जनता के बीच जाकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे, उनको खुलेआम ट्रोल किया जाता है, पत्रकारों ने अपना जमीर खो दिया इसलिए यूट्यूब चैनल लोग देखने लगे। क्या इन पत्रकारों ने एक टीवी शो किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जैसा इतना बड़ा घोटाला कोई किसी और सरकार में होता तो क्या होता? फेक न्यूज फैलाने का काम अगर पत्रकार करेगा तो न्यूज चैनल अपना यकीन जनता में कैसे कायम रखेंगे? और जो यकीन खो दिया आज अंबानी और अडानी के फेवर में अगर आप बात करेंगे तो आप बाकी उद्योगपतियों, लघु कुटीर उद्योग, गैर बराबरी, जो आर्थिक असमानता फैल रही है देश में, 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो और एक व्यक्ति को सब पूरा देश बेच दिया जाए, पत्रकार इस पर अगर शो न करे
और गोदी मीडिया के टीवी चैनल बैठ करके इतना पक्ष में पत्रकारिता करें और उन पत्रकारों पर न कोई मुकदमा हो न कोई उनकी ईडी सीबीआई की जांच हो, पत्रकार का चोला पहन करके वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा फॉलो करें और विपक्ष की छवि को धूमिल करने के लिए ये काम करें, ये देश के लिए खतरनाक है। ये वही फेक न्यूज है जो एक जमाने में मुलायम सिंह यादव जी ने कानून की रक्षा और संविधान की रक्षा करने के लिए जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो किया, तो अखबारों ने हेडिंग लगा दी थी कि सरयू का पानी लाल हो गया। ये पत्रकार कर रहे थे। मंडल आंदोलन हुआ तो मंडल आंदोलन के विरोध में सारे पत्रकार सवर्ण थे, एक भी दलित पिछड़ा इनमें ब्यूरो चीफ और एडिटर नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि न्यूज रूम के 121 जो सबसे बड़े डिसीजन मेकर है उसमें दलित पिछड़े आदिवासी नहीं के बराबर है ही नहीं। ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। मंडल के दौर में इन पत्रकारों ने कहा पूरा देश जल रहा है, अखबार की हेडलाइन हुआ करती थी मंडल के विरोध। ये वही पत्रकारिता है जिसने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बनाया लेकिन जगन्नाथ मिश्रा पर कभी बात नहीं करती। ये वही मीडिया है जो मुल्ला मुलायम कहकर के मुलायम सिंह यादव का अपमान करती है। ये वही मीडिया है जो तेजस्वी यादव की नमी पास नहीं कि फेल है वाली बहस को चैनल पर चलाती है और योगी आदित्यनाथ की डिग्री पर कभी बात नहीं करती, उनके मुकदमों पर कभी बात नहीं करती। प्रधानमंत्री चौथी पास है या एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, इस पर डिबेट नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अगर उनका मुख्यमंत्री का नाम लालू मुलायम है, मुख्यमंत्री का नाम मायावती अगर है, तो मायावती की छवि क्या, दौलत की बेटी किसने नैरेटिव बनाया? पॉलिटिकल पार्टी तो अपने ढंग से बात करेंगे लेकिन मायावती जी के पक्ष में क्या कितनी रिपोर्टिंग इस देश में हुई? ये विमर्श आज का विमर्श है और आज फेक न्यूज के बहाने यह समझना मुश्किल हो गया है कि न्यूज कहां है। बाकी आप पर छोड़ता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।